जनपद संभल में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। जनपद संभल की 4 विधानसभाओं में कुल 906 मतदान केंद्रों पर 15,000 फोर्स की निगरानी में होगा मतदान। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने के किए इंतजाम। जनपद संभल की 4 विधानसभाओं में दूसरे चरण के मतदान के लिए नवीन पुलिस लाइन से पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना की गईं। जनपद में 4 विधानसभा संभल असमोली चंदौसी गुनौर विधानसभा में दूसरे चरण की 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर नवीन पुलिस लाइन से 906 मतदान केंद्रों के लिए 1,812 पोलिंग बूथ पार्टियां रवाना की गईं। जनपद में बाहर से आई कुल 15,004 मतदान कराएंगी। जनपद में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए डीएम व एसपी ने फोर्स को निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई असामाजिक तत्व मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, पोलिंग पार्टियां और दूसरे मतदान के लिए रवाना हो रही है, क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कैसे क्या? यहाँ पर ये नवीन पुलिस लाइन के ग्राउंड में आज यहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। हमारे पुलिसकर्मी हैं वो भी अभी रवाना हो रहे हैं। सभी 4 विधानसभा के लिए अलग अलग जगह पर टेंट लगाए गए हैं। इसमें हम लोगों का ये पूरी कोशिश रहेगी कहीं किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। पूरा एरिया पुलिस के द्वारा सिक्योर किया गया है, ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, इसीलिए इस स्थान को चुना गया जिससे कि शहर में अथवा हाईवे पर कोई जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, और हम लोग उसमें सफल रहे हैं। जल्दी यहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना होंगी और जो हमारी सिविल पुलिस है वो इस समय क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो सेंसिटिव हमारे गाँव हैं या फिर जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनमें अभी रूट मार्च कराया जा रहा है, और उनमें लोगों के मन में जो अगर किसी प्रकार का भय है, कोई आदमी प्रलोभन दे रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पाना किए जा रहे हैं, कितनी पोलिंग पार्टियां हैं? कुल हमारा जो बूथ है वो 1812 बूथ है और 906 जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है। तो जो रवानगी की जाएगी वो 1812 बूथ के लिए की जाएगी। हर एक बूथ पर 4 कर्मचारी होंगे, 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और साथ में 3 पोलिंग ऑफिसर होंगे। ये हमारा प्लान है और ये हमें लगता है कि ये चल रहा है, अपनी गति से चल रहा है, और ये 2 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए, लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने लगेंगे।